आज राजस्थान मृत शरीर सम्मान विधेयक बिल जो लाया गया है सदन में, इससे पहले मैं मणिपुर का जो कल परसों से जो चल रहा है, मणिपुर हमारे भारत का ही हिस्सा है और इसमें ट्राइबल महिलाओं को सामूहिक बलात्कार करके निवस्त्र करके उनको सड़कों पे घुमाया जा रहा है, वो वीडियो वायरल हो रहा है, तो ये पूरे देश को शर्मसार करने वाली घटना है। आज यह महिलाओं के सम्मान को लेकर उधर से बात जरूर हो रही है, लेकिन मणिपुर में जो हादसा हुआ है पूरे देश को एक शर्मसार करने वाली घटना है। आज ये जो मृत शरीर सम्मान विधेयक, इस बिल को लाने की उपज, ये किसके दिमाग की उपज? हम सब कह रहे हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस बिल को ला रहे हैं, क्या हम इस बिल को ला के जो मृतक है उसके शरीर को सम्मान देना चाह रहे हैं या फिर हम हमारी जिम्मेदारियों से भागना चाह रहे हैं? माननीय सभापति महोदय, मृत्यु होती है दो प्रकार की, एक प्राकृतिक या अप्राकृतिक, और प्राकृतिक मृत्यु में किसी भी प्रकार की कोई ऐसा शरीर को लेके बैठा रहे ये नहीं होता है। अप्राकृतिक मर्डर हो या कोई दुर्घटना हो, कोई ऐसी संदिग्ध मृत्यु होती है, उसी में परिजनों द्वारा या संबंधित जनप्रतिनिधि द्वारा, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो या संबंधित प्रशासन हो, उनसे मांग की जाती है कि उसका खुलासा किया जाए या उस पीड़ित परिवार को राहत दिया जाए। तो अप्राकृतिक जो घटना होती है उसमें भी जो गरीब परिवार है, ST SC है, माइनॉरिटी है, किसी भी समाज का जो गरीब परिवार है, जो हमारी न्याय व्यवस्था या जो संदिग्ध जो मृत्यु हुई किस प्रकार हुई है, किसने की है, उस बात से वो संतुष्ट नहीं होता है। संतुष्ट नहीं होने से वो इस प्रकार की मांग करता है। विशेषकर इस बिल का आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर काफी प्रभाव पड़ेगा, दुर्प्रभाव पड़ेगा। इससे हमारे आदिवासी समुदाय में गमिति व्यवस्था होती है, अलग से न्याय व्यवस्था होती है, भले हमारे IPC CRPC कानून है, लेकिन पहले ही पारंपरिक जो रीति रिवाज जो बना हुआ है, वो रीति रिवाज और परंपरा आज भी निहित है। और कई बार ऐसी व्यवस्था गांव के गमितियों द्वारा तय किया जाता है कि इसमें ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, और ये जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में जो न्याय मिलता है, वो न्याय मिलने के बाद उस परिवार को संतुष्टि मिलती है और आगे भविष्य में द्वेष भावना कभी नहीं रहती। लेकिन हमारा जो कानून ला रहे हैं, हम दबाव बना के उसको ये कर देंगे, लेकिन एक द्वेष भावना भविष्य के लिए उस परिवार के अंदर, उस परिजनों में रहेगी और भविष्य में दूसरा अपराध का कारण बनेगा वो। माननीय सभापति महोदय, कई ऐसे घटना, मैंने अभी दो घटनाओं का जिक्र करना चाहूंगा। एक उदयपुर के अंदर एक जो बच्ची थी नाबालिग, उस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, बलात्कार होने के बाद उसके नौ टुकड़े कर दिए और उसको अलग अलग जगह डाल दिया गया। एक आदिवासी बच्ची थी, जब पता चला, पूरा गांव इकट्ठा हुआ, पूरा समाज इकट्ठा हुआ और पुलिस प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की, मुलजिम को गिरफ्तार किया, उसके सहयोगियों को गिरफ्तार किया और किसी प्रकार का कोई भी लाश लेके बैठने का औचित्य नहीं। बहुत बड़ी घटना थी, एक नाबालिग बच्ची को बलात्कार करके उसके नौ टुकड़े करके अलग अलग जगह डाल दिया था, लेकिन उस बॉडी को कोई दो तीन चार दिन कहीं नहीं रखा और प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की, परिजन संतुष्ट हुआ, उस परिवार को कुछ राहत मिली और तुरंत दाह संस्कार हो गया। इसी तरह सिरोही के अंदर एक कार्तिक बिल का घटनाक्रम हुआ, इस आदमी को जनवरी में 19 जनवरी के आसपास उसके साथ मारपीट होती है बुरी तरह से, उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं, उसके सहयोगी द्वारा रिपोर्ट दी जाती है और 19-20 दिन तक उसका इलाज होता है और इलाज होने के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है और तब पुलिस नींद से जगती है और पुलिस उसको गुजरात में उसके परिजनों को बॉन्ड करती है कि पहले तुम ये लिख के दो, हम सीधा ले जाके दाह संस्कार करेंगे। जिस आदमी के साथ घटनाक्रम हुआ उसके मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, उसके परिजन और उस व्यक्ति ने उसकी मृत्यु से पहले दो थानों में रिपोर्ट दी थी कि मुझे जान का खतरा है,
उस आदमी ने संबंधित एसपी को, संबंधित आईजी को कई बार पत्र लिखे थे कि मेरे साथ कभी भी अनहोनी घटना हो सकती है। पूरा परिवार जानता था इस आदमी को परेशान किया जा रहा है, उस आदमी को कभी भी मारा जाएगा। अब ऐसी घटना होती है तो स्वाभाविक है परिवार उग्र होगा, सहयोगी उग्र होंगे, समाज उग्र होगा और हमारे जैसे जनप्रतिनिधि भी इस मामले में इंटरफेयर करेंगे। दो घटना बताई मैंने। हम पहली सिचुएशन ही ऐसी क्यों पैदा कर रहे हैं कि ये इस तरह की व्यवस्था हो। हम जिस व्यक्ति का मृत्यु हो जाती है और उसके मुलजिम का पता नहीं चलता है, उसकी मृत्यु का कारण नहीं पता चलता है और हम कहते हैं कि इस शरीर को सम्मानजनक उसका दाह संस्कार किया जाए। माननीय सभापति महोदय, हर समाज में अलग अलग व्यवस्था होती है। आदिवासी समाज के अंदर गाड़ने की व्यवस्था होती है, मतलब जो बॉडी होती है उस बॉडी को जमीन के अंदर गाड़ा जाता है। लेकिन कई बार ऐसी अप्राकृतिक घटना में पुलिस प्रेशर करती है कि आप इस बॉडी को गाड़ोगे नहीं, आप उस बॉडी को जलाओगे। हमारे समाज की व्यवस्था है, हमारे समाज की परंपरा है, उसको दाह संस्कार किया जाएगा, जमीन में गाड़ा जाएगा। लेकिन पुलिस उस परिवार को बॉन्ड करती है कि आप जमीन में नहीं गाड़ोगे, आप उसको जलाओगे। यह हमारी सामाजिक व्यवस्था पे एक तरह का कानून थोपा जाएगा, हमारी सामाजिक व्यवस्था को खत्म किया जाएगा। माननीय सभापति महोदय, आज जितने जो खनन क्षेत्र हैं, रेलवे ट्रैक का बड़ा काम चलता है। उदयपुर में एक घटनाक्रम हुआ, एक आदमी ट्रक हादसे में, ट्रक जो कंपनी का ट्रक था उसमें जा रहा था, चला रहा था वो, और डेथ हो गई। उसका मालिक कहता है कि मैंने इसको यहाँ मजदूरी पे नहीं रखा है। उस मालिक नट जाता है, गाड़ी के कोई कागज नहीं है। और हमें ये मानना पड़ेगा कि जितने जो बड़े कंपनियां हैं, जितने जो माइनिंग इलाकों में गाड़ियां वाहन जो चलते हैं, जितने जो पीडब्ल्यूडी के बड़े ठेकेदार हैं, उनके गाड़ियों के कागज नहीं होते हैं, ना इंश्योरेंस होता है, ना गाड़ी का कोई कागज होता है। वो कहीं ना कहीं हमारे प्रशासन, माइनिंग विभाग की, पुलिस विभाग की, परिवहन विभाग की लापरवाही। और इसी कारणों से परिजन उस समय दावा करता है जिसके घर में खाने का ठिकाना नहीं है, जो व्यक्ति 200-300 रुपए का रोजगार कर रहा है, उसके क्रियावर का भी व्यवस्था नहीं है, और उसको हम कहेंगे तेरे शरीर का सम्मान हो जाए, उसको जल्दी। और जो मालिक है, वो मालिक नट जाता है, मालिक पुलिस को पैसे खिलाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उस परिवार को दाह संस्कार, उस परिवार के जो बच्चे हैं, 3-4 बच्चों का पालन पोषण के लिए हम तैयार नहीं होते। माननीय सभापति महोदय, हमें सोचना पड़ेगा। ये बिल तो ले आएंगे, बहुमत भी हो जाएगा, लेकिन इसका दुष्परिणाम कितना होगा। और ये जो घटना होगी, इसके बाद हम कानूनी कार्रवाई कर देंगे। कोई लेके बैठा, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा, कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा है, मेरा बहू है, मेरा जो भी मरा है, उसको शरीर को लेके बैठना कोई नहीं चाहेगा। कुछ मजबूरियां होती है, कुछ कारण होंगे, कुछ मांगे होगी, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि शरीर को लेके बैठे। हर माँ बाप चाहता है कि इसके परिवार का जो भी मरा है उसको सम्मान मिले। लेकिन इस कानून की वजह से आदिवासी समाज की जो व्यवस्था है, आदिवासी समाज की जो परंपरा है, इन पे कुठाराघात होगा। माननीय सभापति महोदय, कई ऐसी घटना हुई है, एफएसएल रिपोर्ट भेजते हैं, एफएसएल रिपोर्ट दो दो तीन तीन साल तक नहीं आती है। मेरे विधानसभा क्षेत्र 84 के अंदर मेरो जो गांव है, उस आदमी 3 साल पहले मृत्यु हुई और परिजन कह रहा लगभग यही है, उसकी पहचान पूर्ण रूप से नहीं हो पाई। आज 3 साल हो गए, एफएसएल रिपोर्ट नहीं आई। ऐसी हमारी व्यवस्था है और हम कह रहे हैं मान सम्मान देंगे उस मृतक शरीर को। माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है, मंत्री जी से अनुरोध है कि इस कानून को ट्राइबल क्षेत्र में नहीं लागू किया जाए, और लागू किया जाए तो वहाँ के लोगों की जो भावना है, वहाँ के लोगों की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुरूप लागू किया जाए। कोई भी कानून आता है कि लोगों की भावना के हित में या लोगों के हित में लाया जाता है, लेकिन ये कानून कहीं ना कहीं ट्राइबल इलाके, आदिवासी इलाके के लिए घातक होगा, और इससे अपराध कम नहीं होंगे, इससे अपराध और बढ़ेंगे और लोगों में असंतोष पैदा होगा। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि इस कानून को 3 माह तक के लिए जनमत जानने के लिए प्रचारित किया जाए। धन्यवाद सभापति महोदय। जोर श्री राजेंद्र।